अपने जीवन में एक निर्णय लेने से पहले हमेशा खुद पर विश्वास होना चाहिए, तब चाहे वो निर्णय आप अपने भविष्य, करियर या पेशे के लिए ले रहे हो, ताकि आप अपने पेशे के रूप में किसी भी क्षेत्र को चुनने के बाद कभी अफसोस ना करें और आप अपना 100% दे सकें। फैशन आज की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही साथ एक विशाल व्यवसायिक बिजनेस भी बन गया है। इस क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए आपको कलात्मक रूप से काम करना होगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं फैशन फोटोग्राफी से संबंधित 4 चीजों को। वो है फैशन फोटोग्राफी करियर, फैशन फोटोग्राफी में नौकरी के अवसर, फैशन फोटोग्राफर के रूप में कहाँ काम कर सकते हैं और कितना सैलरी मिल सकता है। क्रिएटिव हर चैनल में आपका फिर से स्वागत है, एक ऐसा विशेष मंच जहां आप फोटोग्राफी के बारे में अधिक जान सकते हैं। आज के युग में किसी भी कार्य को व्यर्थ नहीं माना जाता और फैशन फोटोग्राफी उनमें से एक है। ये एक बहुत ही ग्लैमरस क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में होने के लिए आपको कुछ तत्वों का ध्यान रखना होगा। पहला, काम की ओर निष्ठा। आपको आपके काम के प्रति एक पैशन होना चाहिए, ताकि आप फैशन और सौंदर्य के प्रति एक अनोखा नजरिया बना सके। दूसरा तत्व, जितनी हो सके उतनी शिक्षा प्राप्त करें, ताकि आप क्रिएटिव हो सके और अपने शूटिंग के वक्त अपनी फ्रेम्स कलात्मक रूप से रच सके। आप ऐसी छवि बना सके जो बाकी लोगों से भिन्न और अनोखा हो। तीसरा तत्व, अपने अनुभवों को बढ़ाएं। किसी प्रोफेशनल्स के साथ काम करें या उन्हें असिस्ट करें, जिससे आपका अनुभव और व्यवसायिक ज्ञान बढ़ेगा। चौथा तत्व, तनाव में भी काम की ओर निष्ठा रखें। हर क्षेत्र में काम का दबाव होता है, दबाव मन की स्थिति है और हमें उस दबाव को फोकस मोड में बदलने में सक्षम रहना चाहिए, ताकि आप अपने काम में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट ला सकें। पांचवा तत्व, यात्रा करने के लिए सदा तैयार रहें। यात्रा करना इस क्षेत्र का एक भाग है, क्योंकि क्लाइंट्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग लोकेशन में जाके शूट करना होता है। इसके बाद आता है फैशन फोटोग्राफी में नौकरियों के अवसर के बारे में जानने का। इस क्षेत्र में एक अच्छा और स्थिर करियर बनाने के लिए एक फोटोग्राफर के पास तकनीकी और व्यवसायिक ज्ञान दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी आवेदन करने से पहले कुछ कौशल भी होना चाहिए, जैसे कि कलात्मक क्षमता, फैशन और ट्रेंड्स के बारे में अच्छा ज्ञान, और उसे अच्छा डील या संचार करने का तरीका, एक साथ एक टीम के रूप में काम करने का कौशल, सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छा ज्ञान, और आखिरी है पोर्टफोलियो। इस क्षेत्र में आपका अनुभव और पोर्टफोलियो काफ़ी मायने रखता है, और यदि आप समाज में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने काम को लोगों तक निरंतर पहुंचाना होगा और अपने कॉन्टैक्ट्स को भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रतिभा और कार्य अनुभव आवश्यक है। फैशन फोटोग्राफर के रूप में आप इनकम भी बना सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर बनकर, वीडियोग्राफर बनके, ई कॉमर्स शूट्स और ब्रांडिंग करके, अनेक पत्रिकाओं या मैगजीन्स के लिए शूट करके, मॉडल्स की पोर्टफोलियो करना और स्टॉक इमेज बेच कर भी आप कमा सकते हैं। और अब जानते हैं कि एक फैशन फोटोग्राफर कितना कमा सकते हैं। दरअसल ये फोटोग्राफर के अनुभव और उनके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से 10,000 से 2,00,000 या शायद उससे अधिक भी कमा लेते हैं। अपने काम में निखर जाने पर सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। इनकम या कमाई आपको मिलने वाले असाइनमेंट्स में भी निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको फैशन फोटोग्राफी के बारे में और कोई संदेह हो तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना पहले पहुंचे। और अगर आपको फोटोग्राफी कोर्स और उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.creativehut.org में देख सकते हैं। फोटोग्राफी के आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पोर्टफोलियो और भी बहुत कुछ जान सकते हैं आप फोटोग्राफी के बारे में हमारे ब्लॉग www.creativehuts.com में। लाइक और शेयर करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। अलविदा।